हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं नवरित गेमिंग। आज की वीडियो में मैं कुछ खतरनाक वाला काम करने वाला हूं। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक विदर स्केलेटन फार्म बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक बीकन बनाना है डायमंड का, जो मेरे वर्ल्ड में अभी तक का सबसे बड़ा बीकन होने वाला है। ये वाला बीकन आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद मैंने बहुत सारी माइनिंग करी तो मेरे पास ना डायमंड बहुत सारा पड़ा हुआ था। अब जो मैं बीकन बनाने वाला हूं उसमें एक साथ 6 बीकन लग सकते हैं, और पूरे के पूरे जो बीकन के इफेक्ट होते हैं ना, जितने सारे होते हैं वो सारे के सारे मैं एक बार में ले सकता हूं। अभी मेरे को चॉइस करनी पड़ती कि मुझे हेस्ट चाहिए या फिर ये इनमें से कोई और चाहिए, बट उसके बाद मैं सारे के सारे इफेक्ट एक साथ ले सकता हूं। और आज का जो बीकन है वो मैं बहुत खास बनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक साथ, मेरे पास एक बीकन तो है, मुझे 5 और बीकन चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहिए 5 नेदर स्टार। उसके लिए मैंने कलेक्ट करके रखे पूरा आधा घंटा AFK जाके मुझे ये 17 विदर स्केलेटन हेड मिले थे। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा फार्म उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको और आगे का उसका आसपास का एरिया स्पॉन प्रूफ किया, उसके बाद भी उतना कुछ काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मेरे पास एक ट्रिक थी, मैंने अपनी रेंडर डिस्टेंस को 2 किया ताकि सिर्फ मेरा जो फार्म है वहां पे चीजें स्पॉन हो सके, और उसके बाद से एकदम मक्खन की तरह फार्म काम करने लगा था। तो मेरे को आधे घंटे में 17 हेड मिल गए थे, और अब जाके जो मेन काम होने वाला है वो है 5 विदर्स को एक साथ समन करके एक साथ किल करना, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने एक एक विदर मारा है हमेशा, उसके बाद आज मैं 2 नहीं बल्कि एक साथ 5 मार रहा हूं, तो एक से सीधे 5 में जंप कर रहा हूं। आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरे पास तो एप्पल है ही नहीं, मतलब मेरे पास गोल्डन एप्पल, इंचेंटेड एप्पल मुझे लगता था कि मेरे पास है, बस मेरे पास 3 है, ये भी नॉर्मल वाले एप्पल है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहीं बाहर, और मुझे सबसे पहले ना कुछ एप्पल चाहिए क्योंकि उसके बिना काम होने वाला है नहीं। फटाफट से एप्पल निकालते हैं, उसके बाद मेरे को कुछ पोशंस बनाने, और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे नेदर के रूफ में। मतलब मैं ऐसा उनको एक जगह स्टक करके नहीं मारने वाला हूं, नेदर के रूफ में खुला वहां पर हम लोग फाइट करने वाला, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। A few moments later. तो मेरे पास 18 एप्पल हो चुके हैं, और आज मुझे पहली बार पता चला कि जंगल ट्री में से भी एप्पल निकलते हैं, जो मुझे पहले कभी पता नहीं था। हो चुके हैं 18, और मुझे लगता है थोड़े बहुत तो एटलीस्ट मेरे घर पे होने चाहिए। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, साथ साथ मैं, अब देखो चिकन तो खाऊंगा नहीं उस टाइम पे क्योंकि फाइट हो रही होगी खतरनाक वाली, तो एक काम करूंगा उस टाइम पे मेरे को चाहिए अच्छा खाना ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊं, तो मैं ये खाने वाला हूं। और एक बार देख लेता हूं क्या मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं क्या। ओके, एक एप्पल यहां पे, तो मेरे पास अभी है 25 एप्पल, गोल्डन एप्पल। मुझे लगता है कि इतने काफी है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड होकर जाना नहीं है। बाकी बाद के लिए मैंने तैयारी करके रखी, मुझे कुछ एंड रॉड बनानी बाकी बीकन को बिल्ड करने में, देखते हैं कि वहां तक पहुंच पाता हूं नहीं पहुंच पाता हूं। तो कैरेट भी बन चुके हैं और मेरा मेन खाना ये है। ओके, तो सारे के सारे पोशन बना लिए मैंने यहाँ पे, स्ट्रेंथ के बना लिए और सब कुछ तैयार है। अब बस यहाँ से निकलना है, और कुछ भी काम नहीं है। ओके, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो इस साइड को मेरे सारे के सारे फार्म है, तो मैं जाने वाला हूँ हम पॉजिटिव जी, तो इस साइड को मैं जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सेफ रहे, एटलीस्ट अपने फार्म से मैं दूर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे फार्म में कोई असर पड़े, मतलब बहुत ज्यादा पास, क्योंकि फाइट करते करते मैं पास भी आ सकता। देखो ट्राई करूंगा कि एक को लगातार मारते रहूं, ज्यादा वैसे पॉसिबल तो नहीं है कि वो लोग घेर लेंगे मेरे को, बट फिर भी कोशिश करूंगा एक को लगातार मारते रहूं, क्योंकि जब एक की हेल्थ जब आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं ना तो अपने आप को नीचे आ जाता, उसके बाद से मैं उसको स्वॉर्ड से मार सकता हूँ। तो अभी तो यही ट्रिक है, और ज्यादा कुछ नहीं पता मेरे को। ओके, ये वाला काम हो चुका है, इसको ना मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि मेरे को इन्वेंट्री में जगह भी चाहिए, नेदर स्टार वगैरह अगर मिलेगा तो उसके लिए जगह चाहिए ना इन्वेंट्री में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ चुका है, अब जाके मेरे को लगाने हेड इनके। ओके, तो अब जाके करना स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे यहाँ पे बीकन भी लगा सकता था, बट कोई बात नहीं। चलो, सारे के सारे स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, गोल्डन एप्पल खाने की बारी आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ना मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। ओके, एक मर चुका है, और मुझे ये हाथ में ले लेना है दोबारा से। ओके, तो 3 विदर मैंने मार लिए, लेकिन 2 पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं क्योंकि दूर आ चुका था और उस चक्कर में 2 गायब हो गए यहाँ से, तो फटाफट से ना इसको पहनो और थोड़ा सा मेरे को आसपास ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ चले गए वो 2।
पता नहीं वो आ ही नहीं पाए इनके साथ में, तीन के तीन लगे हुए थे मेरे पीछे। ओके 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 मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, एक दिख रहा है, मैं फटाफट से ये पहन लेता हूँ। ओके ओके यहाँ पर यहीं पे है, पांच विदर एक साथ मार डाले मैंने और बेहतरीन था यार आज, सही में रियल में ऐसा लगा। पांच नदर स्टार कलेक्ट हो चुके हैं और इतने सारी चीजें ऑलरेडी बची हुई है, मेरा बो बच गई, मुझे लगा नहीं था कि इतने बचेगी। पोशन पीने का तो मतलब याद ही नहीं रह रहा था कि पोशन पीना है, क्योंकि जब तक पोशन पीता वो लोग मुझे मार डालते। ये वाला काम तो निपट चुका है, अब बस बीकन बनाने, क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल था। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव जेड की तरफ को। ओके यहाँ को जाना है मुझे, एंडपल से भी काम किया थोड़ा सा, एंडपल ने मेरा साथ दिया और थ्रो करके एक बार तो मेरी ये यूज़ हो चुकी थी, मेरे टोटम ऑफ अनडाइंग, मतलब मैं मर जाता अगर मेरे पास ये नहीं होती, क्योंकि मुश्किल था यार इतने को मारना और अटैक करते बहुत ज़्यादा ज़्यादा और वो रीजन भी करते जा रहे थे साथ साथ में। तो जैसा भी रहा मतलब सच में आज लगा कि कोई रियल बॉस को मारा है और बड़ा मज़ा आया। मतलब अब मुझे लगता है कि मैं एक साथ आराम से 10 भी मार सकता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है विदर को मारना। मैं अपना बीकन यहाँ पर बनाने की सोच रहा हूँ और उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये एरिया यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब बीकन बनने वाला है वो बहुत बड़ा बनने वाला है और मैं यहाँ पर उसी बीकन की जगह में बनाने वाला हूँ। मतलब थोड़ी सी जगह कम पड़ सकती है बट मेरे पास जगह है तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के कर सकता हूँ। मैं फटाफट से अपने बीकन तैयार करता हूँ, पांच बीकन बन चुके हैं। तो अब जाके ना सबसे पहले मेरे को कुछ ये वाला फ्लावर चाहिए और उसके बाद मुझे चाहिए एक और फ्लावर। तो एक बार देख लेता कि मेरे पास कुछ है क्या, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ पर्पल कलर का ग्लास ताकि वो थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, क्योंकि इससे पिंक डाई बन रही, तो पिंक का तो काम नहीं है। शायद मेरे को कोई और फ्लावर देखना पड़ेगा जिससे हमको मैजेंटा कलर के मेरे को बनाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि हमको ना ये तोड़ देना चाहिए, तो हेस्ट का यूज करते हुए उसी बीकन को तोड़ रहा हूँ और उसके बाद से ये एरिया मेरे को रेडी करना है। तो फाइनली घर पहुंच चुका हूं, मेरे को ये वाला चाहिए था और बहुत दूर जाना मेरे को पड़ा था इसके चक्कर में, लेकिन अभी मेरे पास आ चुका है तो अब जाके मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे पास रेड वाला भी है और ये वाला भी है, इसको मैं बोन मील से कर सकता हूं। इसको ढूंढने के लिए मुझे 2000 ब्लॉक दूर जाना पड़ा था, लेकिन फाइनली अब ये वाला काम हो चुका है हमारा। तो अब जाके मेरे को ये वाला एरिया थोड़ा सा इधर को करना है ताकि जो बीकन है आ सके, और मैं नहीं चाहता कि इससे चिपक के आए, पहले वाला चिपक के था, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इस साइड को बना रहा हूं और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूं। मतलब सिर्फ मेरे को डायमंड रख के बीकन तैयार नहीं करना, मैं इसको कुछ और भी करने वाला हूं। तो फटाफट से मैं इसको तैयार करता हूं, आप लोग एंजॉय करिए इस टाइम लैप्स को। अब बस मुझे एक काम करना है, मेरे पास जितने भी डायमंड के ब्लॉक है ना वो लेके आना है, और उसके बाद अभी मैंने सिर्फ एक लेयर लगाई हुई है इसलिए ताकि मेरे को आइडिया लग पाए कि मुझे जो चीज बनानी है वो कहाँ पर आनी चाहिए। और देखो डायमंड मेरे पास इतने सारे, तो मुझे नहीं लगता कि डायमंड की कमी होने वाली है बिल्कुल भी, बल्कि मुझे लग रहा है कि ज्यादा होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा है मेरे पास डायमंड की। मतलब इसीलिए ये ग्रेट मेरे पास आइडिया आया था कि ये वाला डायमंड का बीकन मैं बनाऊंगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से। देखो मैंने क्या कर रखा है कि मैंने यहाँ पे ना नीचे, और ये चीज देखो अभी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी आपको दिख रहा है अगर गौर से देखो अंदर, तो पहले मैंने क्या किया था कि मुझे लगा था कि बीकन के नीचे जो भी चीजें हैं वो तो नहीं दिखेंगी, इसलिए मैंने उसको डर्ट ऐसे ही रहने दिया था और मैंने लाइट ज्यादा लगा दी थी। तो लाइट की वजह से हो क्या रहा था कि ग्लो बहुत ज्यादा आ रहा था और नीचे डर्ट वर्ट सब देखो ये भी दिख रहा है ना आपको, तो ये चीज ढकनी है। अभी मैंने नहीं ढका, उतना नहीं दिख रहा बट एटलीस्ट मेरे को ये देखो ये एक थोड़ा सा स्मोकी वाला इफेक्ट लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि पोर्टल सा कुछ है, तो वो मैंने कर रखा है।
और मेरे को बहुत बार इसमें काम करना पड़ा था, मतलब मेरे को नीचे जाके पूरी दो लेयर हटा के नीचे मैंने नेदर रैक लगा रखा है ताकि थोड़ा सा रेड रेड सा रहे तो पता ना चल पाए कि नीचे है क्या, वरना डर्ट और जो बाकी सारे स्टोन है वो क्लियर दिख रहे थे। तो मुझे लगा नहीं था कि चार लेयर मैंने लगा रही इसमें पर्पल और मैजेंटा ग्लास की, मुझे लगा नहीं था कि उसके बाद भी दिखेगा। और ये जो आप लोग ये देख रहे होंगे ना, ये मैंने ऐसे मतलब मैं एकदम परफेक्ट नहीं बनाना चाहता, पहले मैंने सर्कल बनाया फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऐसा मतलब ताकि ब्लेंड सा कर दूं। अब पता नहीं ब्लेंड हो पाया नहीं हो पाया, बट जैसा भी है एटलीस्ट मेरे को सही लग रहा है, मतलब एकदम सिंपल ना होके। तो ये अब देखते हैं कि कितना इसमें लगता है। वैसे मुझको पता है 244 लगने वाले, तो उतने तो आराम से मेरे पास होंगे। तो जितनी भी मेरी डायमंड माइनिंग वाली वीडियोज हैं आप लोगों ने देखी होंगी, उन सबका निचोड़ ये इतने सारे डायमंड है। और आज के बाद मेरे पास हमेशा सारे के सारे बीकन वाले इफेक्ट रहेंगे, तो चाहे वो जंप हो, स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो या फिर हेस्ट हो, सब कुछ रहेगा। और ये कहाँ पे क्या कर रहा है। और हाँ, ये जो लाइट वाले लगाए थे ना, ये लास्ट मोमेंट पे मैंने लगाई, मतलब मेरा प्लान नहीं था ऐसा कुछ करने का, बट मुझे लगा कि थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है और उसके चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा यहाँ पर भर दिया। ओके, तो ये वाली हमारी थर्ड लेयर आ चुकी है, अब एक फोर्थ आएगी, मतलब कितना सारा डायमंड लग रहा है इसमें। और ये पहले आ गया, ये क्यों का ये क्यों आ गया यहाँ पे स्टील का, यहाँ पे डायमंड का गोलम चलेगा, ये नहीं चलने वाला। ओके, तो मुझे लगता है कि अब ये लास्ट वाली लेयर है और डायमंड देखो कितना सारा बचा हुआ है अभी, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी होगा शायद, एक सेकंड में एक बार देख के आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मेरे पास और डायमंड होगा कहीं तो रखा होगा। ओके, ये डायमंड और है मेरे पास, तो अभी मेरे पास 3 स्टैक से ज्यादा और डायमंड बचा हुआ है। अब मेरे को एक और काम करना है, वो ये है पेन बनाने वालों में कुछ मैजेंटा वाले जो मैं शायद लगाऊंगा, क्योंकि वो एकदम व्हाइट वाला साइन लगने वाला ना, तो मैजेंटा रहेगा तो थोड़ा सा सही लगेगा। अब जाके अपने बीकन रख देते हैं सारे के सारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और अब ये सारे के सारे बीकन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, सारे के सारे बीकन एक्टिवेट हो चुके हैं, अब जाके मुझे रखना है यहाँ पे। मैं कलरफुल रखूँ तो कैसा रहेगा, नहीं यार कलरफुल नहीं, अगर ये एक थीम होनी चाहिए ना ये और ये, तो यही रखने वाला हूँ। ओके, तो सारे के सारे यहाँ पे लग चुके हैं और हमारे बीकन बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मतलब पर्पल कलर या मैजेंटा कलर को ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। अब जाके एक काम करना है, अभी इतना महंगा बीकन बना है तो यार एटलीस्ट ये भी डायमंड से एक्टिवेट करना चाहिए ना, तो सारी के सारी अपनी स्ट्रेंथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ये। ओके, मेरे को चाहिए 6, ठीक है 6 मेरे को चाहिए। अब जाके एक एक करके अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं वो वाली चैलेंज वाली वीडियो बना रहा जिसमें मैंने सारे के सारे पोशंस पिए थे, और एक दूसरी करी थी हाउ डिड यू गेट हेयर वाली, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि सारे के सारे पोशंस पिए थे। तो अब आप ये देखो यहाँ पे ये सब चीज दिख लाओ, ये देखो जंप बूस्ट है मेरे पास, स्पीड 2 है, स्ट्रेंथ 2 है, रेसिस्टेंस 2 है, रिजनरेशन है और हेस्ट 2 है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता, वैसे भी नहीं बिगाड़ सकता, बट अब मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद से देखते हैं दूर से कि कैसा लग रहा हमारा बीकन, जो एक सिंपल सा बीकन था पहले डायमंड का, लेकिन मुझे लगता है कि डायमंड के हिसाब से, अरे वाह वाह वाह, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, सर्कल के बीच में ना बहुत सही लग रहा है। रात के टाइम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रात के टाइम में आपको दिखाने वाला हूं कि क्या ये जो ग्लो इफेक्ट जिसकी वजह से मैंने लाइटिंग लगाई है, क्योंकि बिना लाइटिंग के काम नहीं होता, वो कैसा लग रहा है। और साइड में आप ये देख लो एक बार, ये चीज देखो आप, ये वाली देख लो, ये कितना सही लग रहा है मुझे, ये भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। और ये अपने आप ही यहाँ पर चलेगा, मैंने कहा सही है यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि बीच में तो लगा नहीं सकते, एक ही मेरे पास एग है, तो अगर ज्यादा होते तो ज्यादा लगा पाते, बट कोई बात नहीं, ये ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो अब जाके हमारा जो बीकन है ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ी देर रात का वेट करता हूँ, उसके बाद रात का आपको व्यू दिखाता हूँ। A few moments later. तो अभी रात तो नहीं हुई है, बट हाँ यहाँ पर अंधेरा होने लगा क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही है। और अब जाके आप एक बार ये देखो यहाँ पे, देखो ग्लो तो आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, जितना मेरे को चाहिए था उतना ग्लो आ रहा है, मतलब बहुत हल्का हल्का सा है, अंधेरा भी नहीं होना चाहिए था, बाकी थोड़ा बीकन से भी उजाला हो ही रहा है और साइड में भी लाइट लगी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा प्यारा मेरे को लग रहा है। अब मुझे लगता है कि अरे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा हूँ, जंप भी हो रहा है, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही हो रखा है यहाँ पे, तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। मतलब कोई भी यहाँ पर आएगा ना, वैसे तो खैर मैं खुद ही जाता हूँ किसी को भी मारने जाना हो, बट अगर कोई बॉस यहाँ पर आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई कौन है, किससे पंगे ले रहे हैं। तो अब जाके देखो ग्लो आ रहा है ना, देखो ये दिख रहा है, और हाँ सब कुछ सही है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट तरीके से हो रखा है। अभी इतना ये यहाँ पे क्या छोड़ दिया मैंने ओके, सब कुछ परफेक्ट हो रखा पर यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐसे छोड़ दी, इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, तो आज का एपिसोड कर लेते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।